हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आप लोग बताना कि आपको मेरे ब्लॉग्स देखने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ अभी मैं नहा के आई हूँ, शाम के हो रहे हैं 5, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। और यहाँ और मैं और पापा वेट कर रहे हैं चाय का, मम्मी बना के ला रही है चाय। तो पापा मैं जा रही हूँ, कैसा लग रहा है आपको? दुखी हो रही है, खुशी हो रही है पापा? बिटिया को तो जाना ही पड़ता है अपने घर, दुख तो होता है बेटी का, पर अपना घर ही बेस्ट है बिटिया के लिए। ओके। और दादी कैसा लग रहा है? मैं जा रही हूँ। जा तो रहिए बच्ची, दुख तो हो गए, जी भी टूट रहो, पर बेटी हंसू का गुजारो, गुजारो तो अपने घर सही कह रही हूँ। राजी खुशी रही जो अपने तो प्यार मिले, सुख शांति मिले बच्ची। देखो बस यही तो बात मुझे इमोशनल कर देती है तुम्हारी, जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ता है। जाना तो पड़ेगा ही बच्ची। लो मम्मी ले आई चाय, अब हम सारे बैठ के पीएंगे चाय। ऐसा बना दिया या के। तो गाइज, हमारे लोगों के आगे चाय और दादी ने तो अपनी ले लिया, और मम्मी की भी आ गई, ये मूंगफली चने और पापे, और देखो स्टारबक्स का मग, बट इसमें चाय पी जा रही कॉफी की जगह। सो गाइज, अब टाइम है मेरी पैकिंग का। मुझे बहुत ही दुखी मन से अपनी पैकिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, इसलिए जाने का तो कुछ नहीं हुआ, जाना तो है ही, बट मन की भी तो बात होती है। मन नहीं कर रहा पर मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि मैं बहुत दुखी होकर जा रही हूँ, मैं हंसते हंसते जा रही हूँ, बस मुझे पैकिंग करने में हल्का सा हो रहा है। सो गाइज, मेरी हो गई है पैकिंग डन, और अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे हम भाभी के साथ किचन में हेल्प। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ चाप की सब्जी। तो सबसे पहले मैं प्याज काट रही हूँ। कुछ प्याज मैं काट, मतलब छोटे छोटे उसमें काट लूंगी, और कुछ प्याज की मैं ग्रेवी बना लूंगी और टमाटर की ग्रेवी बना लूंगी। इसके बाद मैं चाप और पनीर मिक्स करके बना रही हूँ आज। मैं आपको शेयर करूंगी रेसिपी। यहाँ पे मैंने प्याज छील लिए, कर लेंगे इनको वॉश। ये है वो प्याज जिसकी मुझे ग्रेवी बनानी है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने टमाटर की ग्रेवी बना ली है, और ये हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज की है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए। यहाँ मैंने चढ़ा दिया है तेल, गरम हो रहा है ग्रेवी के लिए, और यहाँ पे तेल चढ़ गया है, इसमें चाप फ्राई होंगी। तो गाइज, यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा, इसके बाद डालेंगे पक जाएगा थोड़ा सा, प्याज
गाइज यहाँ पे प्याज हो गई है हल्की हल्की सी गोल्डन, और इसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि उससे आ जाएगा ग्रेवी में बहुत रेड रेड सा फ्लेवर, तो कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालनी होती है। इसमें डाल दी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और ये जल ना जाए इसका ध्यान हमें रखना होता है। इसके साथ साथ मैं डाल दूंगी इसमें प्याज वाली प्यूरी, यहाँ पे गैस कर देंगे थोड़ी सिम। प्याज की प्यूरी को थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद डालेंगे टमाटर ग्रेवी। तो गाइस अब जो प्याज की प्यूरी थी उसका कलर ऐसा हो गया है भुन के, अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटो ग्रेवी। और अब इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक, और सबसे स्पेशल होता है इसके लिए चाप मसाला, वो आता है इस तरह के पैकेट में सोया चाप मसाला, इससे इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गाइस इसको मैंने ढक के पका दिया था, और अब ये ग्रेवी देख लो आप ऐसी हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप दूध और थोड़ी सी मलाई। तो गाइस यहाँ पे मैंने ले लिया 1 कप दूध, और अब डालेंगे ये इससे दूध डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चाप का, ग्रेवी और भी टेस्टी लगने लगती है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी मलाई, तो आप या तो ये बाहर से भी ले सकते हैं या आपके घर में जो मलाई हो वो भी डाल सकते हैं। तो गाइस और दूध और क्रीम डालने के बाद इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, फिर पानी को थोड़ा पकने देंगे, और यहाँ पे देखो हमारे आई है अभी थैले भर के सब्जी, और भाभी रख रही है सब्जियाँ उठा उठा के, देखो टमाटर आलू, ये क्या है टिंडे अमरूद, ये तो मेरी फेवरेट चीज है, ये तो मैं अभी खाऊंगी, खीरा, अदरक और हरी मिर्ची, प्याज, अरे एक ये भूखड़ आ गई अमरूद की, वो मेरी तो बेकार गाजर, और उधर पूजा सो रहा है। सो गाइस मसाला आप देख सकते हैं आप अच्छे से भुन गया है, इसमें ऑयल भी पूरा ऊपर आ गया है, देखो जब ऑयल ऊपर आने लगे छोड़ दे मसाला, तो समझो आपका मसाला अच्छे से पक गया है। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें पानी, पानी आप देख लो कि आपको सब्जी कैसी रखनी है, पतली रखनी है या टाइट ग्रेवी रखनी है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, अब इसको हम थोड़ी देर खदकने देंगे पानी को अच्छे से ताकि पानी पक जाए, और इतने पानी पक रहा है इतने आगे मैं ज्योति के साथ गपशप करने, ज्योति खा रही है अमरूद, दिल्ली में कहाँ बेटा, दिल्ली में सीधा मुखर्जी नगर आना, आप सीधा मेट्रो पकड़ना स्टेशन से,
और वो देख लो पढ़ाई कर रही है। तो गाइस यहाँ पे पक गया है पानी और अब इसमें ऐड करेंगे चाप, चाप और पनीर दोनों चीज़ें। मुझे चाप और पनीर इसलिए ऐड करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग चाप थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें पनीर भी ऐड कर दूंगी। तो गाइस देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सब्ज़ी पक गई है और अब इसमें डालने वाली हूँ मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का, तो लास्ट में कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करनी चाहिए इस तरीके से। तो गाइज मेरी बन गई है सब्जी और हम खा रहे हैं अब रोटी। ज्योति के हो रहा है सर में बहुत तेज़ दर्द क्योंकि ज्योति ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, जब भी खाती नहीं है कुछ तो इसके सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं इसके लिए खाना लाई हूँ। इसके लग साथ साथ मैं भी खा ही लूँगी। तो गाइज अब ज्योति खा के बताएगी कि कैसी बनी है सब्जी। टेस्टी है, पसंद आई तुझे? बहुत टाइम बाद मेरे हाथ का फ्लेवर मिला है ना। गाइस फाइनली मैं चलती हूँ अपने घर और मेरा सामान लेके और हम एंडिंग करने आ गए ब्लॉग की क्योंकि हमेशा हम भी दिखते हैं। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी शाही चाप की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, पहली आ गया, चलो बाय बाय। बाय 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 बाय।